करना। अबे कर डांस कर। नमस्कार साथियों, देवभूमि ऑनलाइन हमारा चैनल है। आप देवभूमि ऑनलाइन में जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाओ। हम अपने प्रकृति के बारे में आपको बताना चाहते हैं और आपको हम प्रकृति के बारे में बताना चाहते हैं। और ये नीचे आपको जो घर दिख रहा है, ये बहुत साल पुराना घर है। देखो एक साइड ये आजकल हाल ही में इसमें नया लेंटर डाल रखा है, मतलब पत्थर हुआ। और गाइस आपको दिखा रहे हैं, आपको सामने एक गांव दिख रहा है, छोटा छोटा सा गांव है हमारा। हमारे पड़ोसी, जैसे हमारा पड़ोसी देश नहीं है कुछ भूटान वूटान, वैसी वो भी है हमारा पड़ोसी देश। उसका नाम है कारचुली। कारचुली एक प्राकृतिक जंगल है पूरा कारचुली का। कारचुली बहुत लोग भी हैं। और आपको दिखाना चाहते हैं एक रिसोर्ट बनाया नया, वो भी हमारा ही है। उधर को सब हमारा एरिया है यहाँ। और आपको उधर दिखाते हैं मंचोड़ नाम से वो भी जाना जाता है। मंचोड़ यहाँ फल फूलों की बहुत वो है मांग। और हमारे वहाँ कुछ नहीं है मांग। हमारे वहाँ आपको दिखाते हैं खेतों से ज़्यादा बंजर खेत हैं। ये देखते हैं आप, यहाँ कूड़ा करकट बहुत होता है क्योंकि हमारे देश में खाना कम खाते हैं और वेस्ट ज़्यादा करते हैं, आपको पता ही होगा। आपको दिखाते हैं हम। और ये है हमारे अनार के पेड़। आप कभी भी देखो, चाहे जब फलों का सीजन भी आ जाए तब भी यहाँ कुछ होता ही नहीं है। एक लगेगा दो लगेंगे, लगेगा तो बहुत, पर जैसे ही हम उसको तोड़ेंगे तो कीड़े बहुत आ जाएंगे, राइट। और ये आपको ये कुत्ता दिखा रहे हैं। ये अगर आप हमारी वीडियो में जुड़ते रहे तो हम आपको नई नई चीज़ें दिखाएंगे। और ये जो हमारा कुत्ता है ये आवारा है, ये 2 साल से यही जी रहा है। इसको बता रही है। ये इतना अच्छा है, ये अभी जी रहा है। इसका हाल ही में 3 महीने हो रहे हैं, बच्चा भी हो रखा है, देख रहे हैं आप गाइस। और ये आवारा कुत्ते जी ले रहे हैं। और हमारे वहाँ एक नीचे वो जो लाल कलर का दिख रहा है वो घर, उसमें एक डुग्गू रहता था जो किसी को कुछ नहीं करता था और अपने ही उसमें मगन रहता था। और वो नीचे एक कुत्ता भी दिख रहा है आपको, सुबह सुबह टोजो भी सही है। उसके बच्चे हैं हमारे गांव में, क्योंकि वो टोजो एक चाइनीज कुत्ता है तो सब लेना चाहते हैं उसको, उसकी मांग ज़्यादा है। अब इनकी नहीं है, ये जैसे लुगुरी डॉगों की, पहले तो इनको ही पालते थे लोग। और वो डुग्गू बहुत अच्छा कुत्ता था जो बंदरों को भी गाँव में नहीं आने देता था और कुछ नहीं होने देता था। और ये भसम हो गया है सब गाइस। और नमस्कार दोस्तों, और आपको हम बताते हैं अपनी प्रकृति के बारे में। और आप अभी हमारा चैनल नहीं देखा तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम जब भी ब्लॉग बनाएंगे, मतलब अपने चैनल में वो वीडियो लगाएंगे तो आपके पास वो आ जाएगी। और हम अपनी आप खाली हो चेलियाँ चेलो के शॉर्ट्स देखते हो, क्रीम पाउडर जो नए नए गाने आ रहे हैं उनको देखते हो, उससे बढ़िया प्रकृति के बारे में जान लो। आगे बच्चों के लिए तो सही बोल रहा हूँ क्योंकि भूगोल में आता है कि प्रकृति के बारे में। देवभूमि इसका दूसरा नाम था, उत्तराखंड का दूसरा नाम देवभूमि है गाइस। और आपको प्रकृति के बारे में नहीं आता है, इससे बढ़िया आपके 10th या 12th में आ सकता है ये, आपको हम बता रहे हैं गाइस। और आपको हम बता रहे हैं कि हमारे ये जो गाँव है प्रकृति ब्रह्मांड के नाम से जाना जाता है हमारा गाँव, और इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ये हमारा गांव है और आपको हम दिखाते हैं हमारे गांव में। हमने बड़े बड़े उधर गांव में कहीं कहीं फसल दिखी होगी, हमारे वहां देखो ऐसी फसल होती है, क्योंकि हमारे वहां कहीं कहीं किसी किसी के घर में सही भी हो जाती है। जैसे उनके आलू हो रहे हैं, इधर धनिया वो हो रहे हैं। और किसी किसी के जो ऐसे लोग होते हैं, मतलब काम तो सही करते हैं पर किसी किसी के ऐसे वो भी हो जाते हैं, जैसे कि ये देख रहे हैं ये किसी किसी के ऐसे भी हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारा जैसे वो पहाड़ी में है वहाँ तो अलग अलग प्रकार के पाऊधारचू भी नाम सगुण के नहीं, पाऊधारचू देख रहे हो आप, वो नाम सगुण के नहीं। और वो प्रसिद्ध गाँव छू में सब है नहीं, फूल वाली वह फल, मतलब मान लो कि फूल वाली वह साबुता सब है नहीं वहाँ। और मैं वहाँ देखो कुछ नहीं हो रहा,
पाव रानी के चू पाउच पाव पिपलटन चू मगड़ो चू पाचुली सब हमारा वो नगारन एक मंदिर है वो भी बहुत प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ भी उसकी मांग भी बहुत ज़्यादा है और गाइस आपको हम दिखा रहे हैं और हमारे वहाँ क्योंकि हम एक वो पहाड़ी में है तो वहाँ पाला हाला नहीं गिरता हमारे वहाँ जैसे बहुत पाला गिरता है जैसे फूल पालों में एसिड गिरता है जैसे एसिड गिरने में भसम नहीं जाता वैसे ही हमारे वहाँ पाले से भसम होते हैं और फल फूल नहीं होते हमारे वहाँ पेड़ तो उग जाते हैं पर वहाँ कुछ होता ही नहीं जैसे कि आपको ये दिखा रहे हैं दड़िन ये अनार का है दड़िन तो अभी सुन अभी हमने हालों में ही फूल खेली है वो पेड़ों में फूल आने लग गए आपको पता होगा 15 मार्च को हमने फूल खेली है वो पेड़ों में फूल आने लग गए पेड़ों में फूल आने लगे हैं अब वो आपको वो पेड़ है कुमानी का कुमानी इसमें इतने छोटे होते हैं कि वो दिखते ही नहीं और जो खाता है वो कड़वे ही हो जाते हैं गाइस और आपको हम दिखा रहे हैं कि हमारे प्रकृति के बारे में आपको हम दो चार शब्द बता रहे हैं आप गौर करना सुनिए वो हमारे जो आगे आपको गाँव वाँव दिख रहे हैं जो मगलों हैं उधरपन को और चिकन डाना होटल डाना वहाँ तो फल फूल होते हैं पर हमारे गांव में कुछ नहीं होता है क्योंकि यहाँ वैसे वहाँ तो देखभाल है यहाँ देखभाल नहीं है वहाँ क्या करा एक बार खेतों में जो बो दिए अगले दिन पानी नहीं गए सीधे जैसे अक्रोल है वैसे काटने के लिए आ गए और आपको दिखाएंगे और आजकल क्या कहते हैं फल फ्रूट की वो कुछ फल फ्रूट नहीं हो रहे कहीं कहीं हो रहे होंगे हमारे वहाँ तो अभी खैर आलू आलू हो रहे हैं छोटे छोटे आलू आ रहे हैं और आपको आपने गाना तो सुना ही होगा बेड़ो पागो बारो मासा ये तो पकते रहते हैं आपको दिखाई होगा ये हर साल दिखेंगे आपको ये पेड़ इतना अच्छा फल होता है कि कोई इसको मांगता नहीं सबको सेब पेड़ चाहिए खाने के लिए राइट।